हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ वॉटरफॉल ब्रेड विद द ट्विस्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ये क्यूट सी हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमें चाहिए ये रबर बैंड, और मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की रबर बैंड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हो। सो हमें क्या करना है, फ्रंट से छोटा सा पार्ट लेना है और हमें उसे रबर बैंड की मदद से टाई करना है। सो टाई करने के बाद बिल्कुल हम टाइट कर लेंगे, और थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद हमें एक और टाई करना है, और ये सेकंड टाई करने के बाद हमें इसी में एक थर्ड टाई भी करना है थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद। सो इसके बाद वन मोर टाई, और मैं यहाँ पे सिर्फ चार ही रबर बैंड टाई कर रही हूँ, और आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। ये रबर बैंड लग चुकी है, अब मैं फटाफट इस तरफ भी बना लेती हूँ। अब ये दोनों तरफ कंप्लीट हो गया है, हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमें ये जो है इसको बीच में से डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने बीच में से डिवाइड किया है, और हमें यहाँ से थोड़े से बाल लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले थोड़े से बाल ले लो, और फिर हमें इसमें से पास करने हैं वो बाल, ठीक है। किया मैंने पास, ठीक है, बस बस इसको पास करना है और कुछ नहीं करना, ओके। और फिर ऐसे ही हमें इसमें से भी थोड़े से बाल पास करने हैं इसके बाद, ठीक है। और ऐसे ही करके हमें ये थर्ड वाले पार्ट में से भी थोड़े से बाल पास करने हैं इसके बाद के, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का लुक आएगा, ठीक है, लग रहा है ना ब्यूटीफुल। सो अब मैं क्या करती हूँ, पहले इस तरफ का भी करती हूँ, फिर देखते हैं कि इसका ओवरऑल लुक कैसा है। तो ये दोनों साइड मैंने बना ली है, और ये दोनों साइड बनाने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। और फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा टाइट करके, और बस आपको ये पीछे ऐसे बस रबर बैंड लगा देनी है। आप रबर बैंड लगा सकते हैं, क्लेचर लगा सकते हैं, कुछ भी कुछ भी, और जैसे वो बो वाली क्लिप्स आती हैं वो भी लगा सकते हैं आप अपने बैक साइड पे। मैं भी फिलहाल तो क्लेचर ही लगा रही हूँ, और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, सी इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा आ रहा है। सो और इसके बाद आप इसमें बहुत सारी हेयर स्टाइल कर सकते हैं, लाइक पोनी भी बना सकते हैं। ये देखिए पोनी भी कितनी अच्छी लगेगी, ऐसा लगेगा कि आपने कुछ किया हुआ है अपने बालों पे। सो पीछे से भी, ये देखिए पीछे से भी काफ़ी अच्छी लग रही है। सो आई होप आपको ये हेयर स्टाइल अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। बाय।